देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने ओ नेबरहुड पढ़ा था। नेबरहुड के बाद ओपन सेट किसे, ओपन स्पेयर किसे कहते हैं, और ओपन स्पेयर के बाद ओपन स्पेयर की कुछ वो एग्जाम्पल देखे थे। अब पहले थ्योरम देखते हैं ऑन ओपन सेट्स। ठीक है, ओपन सेट क्या हुआ? कोई भी सेट ओपन कहलाएगा यदि वो अपने सारे मतलब अपने अंदर एक ओपन बॉल को रखे। तो ये थ्योरम क्या कह रही, देखिए, इन ए मीट्रिक स्पेस एच डी एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट। मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बताया था। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। मीट्रिक स्पेस के अंदर एवरी ओपन इन मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन बॉल, हर ओपन बॉल एक ओपन सेट कहलाएगी मीट्रिक स्पेस में। इसको प्रूफ करते हैं सर। ठीक है, प्रूफ बता रहा हूँ मैं इसका, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ करते हैं इसका। कैसे प्रूफ करेंगे? हमें प्रूफ क्या करना है? इन मिट्टी की स्पेस एक्स डी एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट। ओपन सेट किसे कहते हैं आपको पता है, ओपन बॉल किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। तो करते हैं इसको प्रूफ। देखिएगा, देखिए, लेट कंसीडर कर लेता हूँ मैं, लेट बी ऑफ पी कॉमा आर, बी ऑफ पी कॉमा आर एक ओपन बॉल हम कंसीडर कर लेते हैं। एक मिनट, बी ऑफ पी कॉमा आर, ये हमने बी ऑफ पी कॉमा आर, ये क्या होती है? ओपन बॉल होती है। कैसी? इसके अंदर वो सारे एक्स आते हैं जो किस प्रॉपर्टी को रखते हैं, डी ऑफ पी कॉमा एक्स लेस देन आर वाली प्रॉपर्टी को रखते हैं। ठीक है सर, बी एनी ओपन बॉल मान लेते हैं। ये क्या है? बी एनी ओपन बॉल, एनी ओपन बॉल, ये क्या है? कोई ओपन बॉल है। ठीक है, बी एनी ओपन बॉल इन एक्स डी, इन एक्स डी, एक्स डी का मतलब मीट्रिक स्पेस के अंदर ये कोई ओपन बॉल है। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट हमें क्या शो करना है, बी ऑफ पी कॉमा आर इज होगा, बी ऑफ पी कॉमा आर इज ओपन सेट, इज ओपन, ये क्या होगा? ओपन सेट होगा, हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होगा, ये तो प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ओपन सेट किसे कहते हैं? इट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होना चाहिए फिर, तभी तो ये ओपन ओपन बॉल होगा। अब देखिए सर, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होना चाहिए, तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, एक आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ किसका, बी ऑफ पी कॉमा आर, जिसको आपको क्या प्रूफ करना है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। वी हैव टू प्रूव दैट, दैट इज हमें प्रूफ क्या करना है, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसको एनबीडी प्रूफ करना है। इट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो उसी का तो पॉइंट लेंगे। तो ये जो पॉइंट हमने नीचे ले रखा है वो पॉइंट उसी का लेंगे ना, ये जो नीचे पॉइंट ले रखा है, दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये पॉइंट भी हम उसी का लेंगे जिसको प्रूफ करना है। तो अब आप देखिए कैसे प्रूफ करें। एक पॉइंट लिया इसका, तो सच दैट सो क्या होगा फिर बताओ, ये पॉइंट क्या करेगा, डी ऑफ पी कॉमा एक्स इज लेस देन आर होगा। क्यों होगा? दी गई कंडीशन देखो, ऊपर हमने उसके अंदर कैसे एलिमेंट कंसिडर कर रखे हैं, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी हाँ या ना, देखो, क्योंकि ये सेट के अंदर वो सारे एक्स हैं जिनकी डिस्टेंस आर से छोटी होती है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी, बिल्कुल होगी सर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर फुलफिल होगी। दिस इम्प्लाइज, क्या इसी चीज़ को मैं आर बड़ा है डी ऑफ पी कॉमा एक्स बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसका मतलब इसी चीज़ को क्या हम ये भी बोल सकते हैं, आर माइनस डी ऑफ पी कॉमा एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा।
मतलब इसको हम ले लेते हैं आर नॉट बराबर आर माइनस डी ऑफ पी कॉमा एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं करा, ऊपर वाले उसी स्टेटमेंट को जरा सा और अच्छा बना दिया, उसको 0 से बड़ा है तो कुछ मान लिया उसको हमने, उसको क्या मान लिया, आर नॉट कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, आर नॉट कंसिडर कर लिया। अब आप देखिए फर्दर, जब मैं इसको प्रूव करने के लिए, नाउ ओपन एनबीडी ऑफ इच ऑफ इट्स पॉइंट कब होगा, जब वो अपने अंदर क्या रखेगा, नाउ वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें शो क्या करना है सर, वी हैव टू शो दैट एक ओपन बॉल एक्स कॉमा आर नॉट वाली अगर मेरे बी ऑफ पी कॉमा आर के अंदर आ जाती है तो ये बी ऑफ पी कॉमा आर जो हो जाएगा आपका ओपन सेट हो जाएगा, है ना। ये अभी क्या है, ओपन बॉल है, अभी क्या है, ओपन बॉल है। आपको प्रूफ क्या करना है, इसको ओपन सेट प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाली लाइन अब प्रूफ करनी है मुझे, ये बी, ये वाला जो इस रेडियस का एक्स आपने मान रखा है, अगर ये इसके अंदर आ जाता है तो आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। ठीक, तो इसी को प्रूफ करने के लिए आगे फर्दर हम प्रोसेस करेंगे, देखिएगा। ये हमें प्रूफ करना है, अब ध्यान दीजिएगा, लेट इसको प्रूफ करने के लिए ए बी का सबसेट है, प्रूफ करने के लिए एक पॉइंट ए में लेके चलो, उसको बी में प्रूफ कर दो। मान लेता हूँ वाई कोई पॉइंट में लेके चलता हूँ बी ऑफ एक्स कॉमा आर नॉट में, अगर वाई इसमें बिलोंग करेगा सो तो क्या होगा, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स जो होगा वो आर नॉट से छोटा होगा। ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को, अब मैं वाई को इसके अंदर का पॉइंट लेके चल रहा हूँ तो वो रेडियस कितना है यहाँ पे, आर नॉट है, आर नॉट हमने ये मान रखा है, आर नॉट रेडियस मान लिया, तो डी वाई और एक्स की डिस्टेंस आर नॉट से छोटी होगी, ना कि आर से, क्यों, क्योंकि अब रेडियस आर नॉट है, यहाँ रेडियस क्या था, आर था, तो हमने एक वाई एक पॉइंट लेके चले इसमें, सिंस डी मीट्रिक स्पेस है, सिंस डी इज मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस है बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है सर मेरे से, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी डी ऑफ पी कॉमा वाई किसी एक की डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू होगी डी ऑफ पी कॉमा एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ले रखा है वाई कॉमा पी कॉमा वाई ले लिया हमने, पी कॉमा वाई, डी ऑफ पी कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ पी भी पॉइंट है ना, इसलिए कह रहा हूँ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई होगी। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है लेस देन है डी ऑफ पी कॉमा एक्स प्लस आर नॉट से, क्यों, ये देखो यहाँ से हमने क्या रखा, डी ऑफ एक्स वाई, डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, डी डी ये देखिए आर बड़ा है पी एक्स से, है ना, कहाँ पे लिखी हमने वो इक्वेशन, सॉरी ये वाली, इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं यार, इक्वेशन दो नाम देते हैं, देखिए डी वाई एक्स की जगह पे लेस देन आर नॉट रख दिया, डी वाई एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो मैंने इसको इसकी जगह पे, ये तो लेस देन इक्वल टू चल रहा था, इसको हटाया तो इसकी जगह पे स्ट्रिक्टली आर नॉट रख दिया, ठीक है। तो अब अगर ये आर नॉट रखा यूजिंग इक्वेशन टू, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन टू का यूज करके हमने ऐसा कर दिया, और ये क्या है सर, यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आर बराबर कितना है बताओ, तो आर नॉट प्लस डी ऑफ पी एक्स है, हाँ या ना, डी ऑफ पी एक्स प्लस आर नॉट को क्या लिखोगे आप, दिस इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू चल रही है आर की, तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला डी ऑफ पी वाई जो है लेस देन आर हो गया। सर अब समझो आप इस बात को, गौर से समझना है, हम लेके क्या चले थे, डी ऑफ वाई एक्स जो है डी ऑफ, सॉरी डी ऑफ पी वाई हमने आर से छोटा प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक मेंबर आप आर नॉट रेडियस वाले स्पेयर से लेके चले थे,
यहाँ आपने उसी वाई को आर रेडियस वाले से लेस देन प्रूव कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो ये जो वाई है आपका उस बॉल में बिलोंग करेगा जो कि पी कॉमा जिसका रेडियस आर है। पी से कोई मतलब नहीं, पी तो एक पॉइंट है, एक्स जैसे पॉइंट है वैसे ही पी भी एक पॉइंट है। फॉर ऑल वाई किसका मेंबर है? वाई किसका मेंबर था? बी एक्स कॉमा आर नॉट का मेंबर था, हमने इसमें प्रूव कर दिया। तो सबसेट की डेफिनेशन यही तो कहती है, अगर एक का एलिमेंट लेके चलो उसको दूसरे में प्रूव कर दो तो आप उसको दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज बी ऑफ एक्स कॉमा आर नॉट रेडियस का बॉल जो है कंटेन कर जाएगा बी ऑफ पी कॉमा आर में। तो इससे प्रूफ क्या होगा? इससे प्रूफ ये होगा कि जो आपके पास बी पी कॉमा आर है एनबीडी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्यों? ये लाइन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा मेरे बी ऑफ एक्स कॉमा आर नॉट में और ये कंटेन कर जाएगा बी ऑफ पी कॉमा आर में। एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन बॉल मिल जाए, वो इस एन के अंदर आ जाए, तो एन को नेबरहुड कह देते हैं एक्स का। तो सर यहाँ से आप दिस इम्प्लाइज बी ऑफ पी कॉमा आर को क्या कह दोगे? इज एनबीडी ऑफ किसका बोलो? एनबीडी ऑफ एक्स। एक्स एक आर्बिट्री पॉइंट लेके चले थे, यही तो लेके चले थे। देखिए लेट एक्स एक आर्बिट्री पॉइंट लेते थे बी पी आर में, तो आर्बिट्री पॉइंट लेके चले थे आप, इसी का मेंबर है। तो ये जो यहाँ आपने लास्ट में प्रूव किया ये एनबीडी है। एक्स क्या है? आर्बिट्री पॉइंट है, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है। फिर ये इसी आर्बिट्री पॉइंट लेके आपने उसको एनबीडी प्रूव कर दिया। देयरफोर आप लिखोगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सिंस एक्स इज एनी आर्बिट्री पॉइंट, एक्स इज एन आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, एक्स आर्बिट्री पॉइंट है, कोई भी हो सकता है। ऑफ किसका आर्बिट्री पॉइंट है? बी ऑफ पी कॉमा आर का आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है, बी ऑफ पी कॉमा आर का आर्बिट्री पॉइंट है। इट फॉलो ये क्या फॉलो कर रहा है? बी ऑफ पी कॉमा आर इज ओपन सेट, ठीक है, ओपन सेट। क्यों? क्यों? आपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है वो, इसलिए ओपन सेट हो गया। तो मैंने एग्जाम में कैसे लिखना है उसके तरीके से आपको ये थ्योरम करा रखी है। होने को तो थ्योरम एक लाइन में समझा देता, लेकिन एग्जाम में इसी पैटर्न में आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने स्टेप वाइज आपको ये करा दी, ठीक है सर। ये हमने क्या प्रूव किया फिर? इन मिट्रिक स्पेस, अब आज से आप ये जानोगे किसी भी मिट्रिक स्पेस एक्स डी में एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट, हर ओपन बॉल जो होती है ओपन सेट होती है, ठीक है सर। अब अगली थ्योरम पे आते हैं, देखिएगा अगली थ्योरम क्या कह रही है, इसको समझते हैं। ये क्या कह रही है? देखिए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, क्या कह रही है? सो दैट यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, ओपन सेट आर्बिट्री फैमिली। सर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था टोपोलॉजिकल स्पेस को आप समझो पहले, तब जाके मीट्रिक स्पेस समझ में आएगा। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने पढ़ रखा है, टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन ही कहती है ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन होता है, आर्बिट्री यूनियन ओपन का ओपन होता है। तो यहाँ पे भी देखो मीट्रिक स्पेस में भी तो वही हो रहा है। ये मीट्रिक स्पेस में क्या कह रहा है? आर्बिट्री का मतलब क्या होता है सर? आर्बिट्री तो समझते हैं आप, एनी एनी कलेक्शन, वो 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, उसमें हम क्या लेते हैं? इंडेक्स सेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है? आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट हमने क्या ले लिया? मान लेते हैं एफ इज इक्व टू, ये ले लिया कलेक्शन जी लेमडा, सच दैट लेमडा जो है इंडेक्स सेट का मेंबर है। इंडेक्स सेट क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने कहा टोपोलॉजी के पहले लेक्चर्स को आप देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगी अच्छी तरह से। एफ बराबर इतना बी एनी आर्बिट्री फैमिली, बी एनी आर्बिट्री फैमिली, ठीक है, आर्बिट्री आर्बिट आर्बिट्री फैमिली, आर्बिट्री फैमिली ऑफ किसकी आर्बिट्री फैमिली है? ओपन सेट की। ओपन सेट ये क्या है? ओपन सेट की आर्बिट्री फैमिली है इन, कहाँ? मीट्रिक स्पेस एक्स डी कह रहा हूं तो एक्स में होगी, ठीक है।
तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट, वी हैव टू प्रूफ दैट, वी हैव टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, इनका यूनियन, इनका कैसा यूनियन, आर्बिट्री यूनियन, लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लेमडा, मतलब वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, यही तो प्रूफ करना है, ओपन सेट, ये भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा करके प्रूफ करना है, ठीक है सर। अब नाउ इसके लिए मैं ले लेता हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए ओपन सेट किसे कहते हैं, आपको अभी प्रूफ कर रखा है आपने, ओपन सेट प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, लेट हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक पॉइंट किसके अंदर, जी लैम्डा के अंदर, ठीक है, फॉर सम, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, लैम्डा इंडेक्स सेट का मेंबर है, मतलब जी वन जी टू जी थ्री किसी एक में है, ये किसी एक में भी हो गया तो यूनियन में, किसी एक में होगा तो यूनियन में आएगा ही ना वो, ठीक है, इंटरसेक्शन में तो सब में होना चाहिए, यूनियन में किसी एक में भी हो जाए तो आ जाता है, सिंस जी लेमडा क्या है, ओपन है, जी लेमडा इज ओपन, आप समझ रहे हैं जी लेमडा कैसा है, ओपन, जी लेमडा इज ओपन सेट, अब आप देखिए जी लेमडा ओपन सेट है, सो देयर एग्जिस्ट कम से कम फॉर सम, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कंटेंड करेगा जी लैम्डा में, क्यों करेगा सर, जी लैम्डा में बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कंटेन करेगा जी लैम्डा में, क्यों, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन ही यही होती है कि अपने अंदर कम ओपन बॉल को रखेगा वो, एप्सिलॉन रेडियस के ओपन बॉल को रख दी गई। अब आप ध्यान से समझो, क्योंकि मेरा बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन रेडियस का स्पेयर जो है जी लैम्डा में आ रहा है, तो क्या वो यूनियन ऑफ जी लैम्डा में आएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यस, लैम्डा इंडेक्स सेट का मेंबर है, इंडेक्स सेट का नोटेशन ये होता है सर, या तो ये लिखा रहता है या ये लिखा रहता है, ये दोनों के दोनों इंडेक्स सेट के नोटेशन है, तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट ये लाइन बोल दूँ कि बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कंटेंड इन यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एक एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्पेयर एक्स आर्बिट्री मेंबर था इसके अंदर आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट मतलब यही हुआ कि यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा इज एनबीडी ऑफ, एनबीडी ऑफ किसका एनबीडी होगा, एक्स का, क्यों, क्योंकि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा, तो ये एक्स तो आर्बिट्री पॉइंट था, इसका मतलब जो यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा था इज एन, ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट, ये क्या हो जाएगा, इज एन ओपन सेट, क्यों, क्यों, क्योंकि वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, सो दैट यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इन मेट्रिक स्पेस इज ओपन, तो आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इन मेट्रिक स्पेस इज ऑल्सो ओपन, वो भी क्या होता है, ओपन होता है, आर्बिट्री फैमिली भी क्या होती है, ओपन होती है। अब अगली थ्योरम और इम्पोर्टेंट है, उसको भी समझते हैं, देखिएगा अगली थ्योरम हमसे क्या कहती है कि प्रूव करके दिखाओ कि यहाँ पे क्या प्रूव करने के लिए कह रही, देखिए, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट कलेक्शन, देखिए उसमें आर्बिट्री फैमिली कह रहा है, यहाँ इंटर फाइनाइट कलेक्शन कह रहा है, हमने ये भी तो देखा था टोपोलॉजी की जो सेकंड कंडीशन थी, दो टी ओपन है तो उनका इंटरसेक्शन टी ओपन होता है और आर्बिट्री यूनियन ओपन होता है, तो ये ऐसा ही तो कह रहा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन का ओपन होगा, तो सर क्या सबसे पहले हम ये समझें कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं होगा, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि सर फाइनाइट तो है, अभी प्रूफ करना है मुझे, मैं पहले ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो सर ध्यान से देखिए, पहले इसी को प्रूफ करता हूँ, मान लेता हूँ मैं
जी लैम्डा क्या है? जी लैम्डा ओपन सेट्स की फैमिली है, ओपन सेट्स। ऑफ किसके ओपन सेट से हैं ये? आर के ओपन सेट, आर मतलब रियल लाइन के। जी लैम्डा मैंने लिखा है तो जी एन लिख देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। जी एन बराबर, और आर के अंदर एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट होता है, ये आपने क्या माना? ये क्या है? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दीज आर ओपन, है ये ओपन। अब जब आप इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन लोगे, एन बराबर 1 to ∞ लोगे सर, तो आप पाओगे जी एन का, ठीक है, जी एन का। तो इसका मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, ये आपके पास यहाँ कहीं जीरो है, यहाँ आप ले लो 3, यहाँ आप ले लो -3, यहाँ ले लो 3, तो 1 by -3, फिर यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2, यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ कितना आएगा? -1, यहाँ कितना आएगा? 1। आप देख रहे होगे कि इसमें एक एक करके जो एलिमेंट है, जैसे देखो -1/1, 1/1 इंटरसेक्शन, -1/2, 1/2 इंटरसेक्शन, -1/3, 1/3 डॉट 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 डॉट। अब आपके पास क्या हो रहा है इसमें, होता क्या होगा क्या, सब में जो कॉमन आएगा, जब आप पूरा एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखोगे तो सब में जो कॉमन मिलेगा ना सर, केवल और केवल कॉमन ये मिलेगा आपको जो सब में है, चाहे आप कितना ही बड़ा ले लो इसको, सब में जो कॉमन होगा केवल और केवल ये वाला होगा, वो कौन होगा? जीरो सिंगलटन होगा। और सिंगलटन सेट कभी भी अपने जीरो इज नॉट एनबीडी ऑफ, जीरो इज नॉट नॉट एनबीडी ऑफ, एनबीडी ऑफ जीरो का ही एनबीडी नहीं है वो, तो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी कहाँ हुआ? जीरो का ही नहीं है वो एनबीडी। क्यों? क्योंकि एनबीडी होने के लिए किसी पॉइंट को कंटेन करना पड़ेगा एक ओपन स्पेयर में, और ओपन स्पेयर कैसे बना सकते हो एक सिंगलटन एलिमेंट से आप? तो इसका मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन का ओपन नहीं होता है। अब मैं आता हूँ जो मुझे प्रूव करना है, फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल से आपको ये समझा दिया कि सर आप ऐसा मत समझ लेना कि फाइनाइट है तो आर्बिट्री भी होगा। तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन का ओपन नहीं होता है, अगर एग्जाम में आएगा तो यही एग्जाम्पल लेके आप समझा दोगे कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट एन ओपन सेट, ओपन का आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता है, ये आप समझा दोगे। तो अब अगर इतना आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो अब आप देखिए इस थ्योरम को हम कैसे समझते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। ये थ्योरम कैसे आएगी समझ में, इसको हम बताते हैं। देखिए, सो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन, अब तो हमें फाइनाइट ही लेने हैं, आर्बिट्री नहीं होता है, मैं प्रूव करा चुका हूँ आपको। तो फाइनाइट कैसे होता है, अब आपको फाइनाइट सेट ले लेने हैं, कैसे? लेट G1, G2, G3 अप टू एन सोन GN, ये क्या है? फाइनाइट कलेक्शन है। बी बी ए फाइनाइट, बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ, बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ किन का है? ये ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन है, ओपन सेट। ये क्या है सर? ओपन सेट का एक फाइनाइट कलेक्शन है। इन कहाँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी के अंदर, इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है? देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है बताइए? वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ आई बराबर 1 to n जी आई इज ओपन, इज ओपन। अभी मैंने क्या प्रूफ किया था एग्जाम्पल से? मैंने प्रूफ किया था अगर इसमें एन की जगह पे इनफाइनाइट लग जाए, आर्बिट्री आ जाए, तो ओपन नहीं होता है, एग्जाम्पल लिया था। अब सर देखिए, इसको प्रूफ करने का तरीका वही, एक एलिमेंट लेके चलो इसमें। कोई सेट ओपन कब होता है? जब वो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है, ठीक है। आई बराबर आई सॉरी आई बराबर 1 to n जी आई, आई बराबर 1 to n जी आई से एक मेंबर लिया, तो अगर इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन में तभी होता है जब पर्टिकुलर सब में होता है, प्रत्येक आई के लिए होगा, फॉर ऑल आई, ऐसा होगा। डेफिनेशन यही तो कहती है, आई वो जो आपका आई है 1 से n के बीच में कुछ भी हो सब में होगा। नाउ सिंस जी आई इज, जी आई क्या है? ओपन सेट है।
जी आई इज ओपन सेट। अगर जी आई ओपन सेट है सो देयर एग्जिस्ट सम एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट बी ऑफ एक्स कॉमा एप्साइलन बी ऑफ एप्साइलन आई ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं ना इसमें एप्साइलन आई कंटेंड इन जी आई, क्योंकि जी आई आपका आई वेरी फ्रॉम 1 to n है, आई जहाँ से 1, 2 अप टू एन सो एन। क्यों? ओपन सेट है तो अपने अंदर ओपन बॉल को रखेगा। ये डेफिनेशन मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जी आई ओपन है तो ये अपने अंदर ओपन बॉल को एप्साइलन रेडियस के ओपन बॉल को रखेगा ना। जी वन के लिए वो एप्साइलन वन रेडियस हो गया, जी टू के लिए एप्साइलन टू रेडियस हो गया, इसी तरीके से जी थ्री के लिए एप्साइलन थ्री रेडियस हो गया। अब सर देखो, मैं एक एप्साइलन ऐसा लेता हूँ जो क्या है मिनिमम है किन में, इन सब में, एप्साइलन वन कॉमा एप्साइलन टू अप टू एन सो ऑन एप्साइलन एप्साइलन एन में। अब आप इस बात को समझो, यदि एप्साइलन इन सब में मिनिमम है तो एप्साइलन आई 1, 2, 3, 4 सब में मिनिमम होगा। तो क्या आप ये लाइन को समझ पाओगे? एक्स कॉमा एप्साइलन जो है कंटेन करेगा बी ऑफ एक्स कॉमा एप्साइलन आई की, क्योंकि ये छोटा है, ये सबसेट बना रहा हूँ, ये छोटा तो सब में आएगा ना। तो इस लाइन से क्या मैं इस कंक्लूजन तक पहुँचा कि मेरा बी ऑफ एप्साइलन रेडियस का जो बॉल है वो हमेशा बी ऑफ प्रत्येक एक्स कॉमा एप्साइलन आई के अंदर आएगा, फॉर ऑल आई बराबर 1, 2, 3 अप टू एन सो ऑन एन। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये आपका मान लेते हैं, ये आप ऐसे समझो, मान लेते हैं एप्साइलन आई जो है 100 है, तो 1, 2, 3, 4 एप्साइलन को मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 जो है 1 रेडियस में भी, 2 रेडियस में भी, 3 रेडियस में भी, 4 रेडियस में भी, 5 रेडियस में भी, 100 रेडियस वाले में भी आएगा ना। तो इसलिए ये लाइन आपकी वैलिड होगी, ये वाली जो लाइन है हमेशा वैलिड होगी। कौन सी? ये वाली लाइन हमेशा वैलिड होगी। अब सर ध्यान दो, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो थ्योरम समझ में आ गई, अब तो कुछ है ही नहीं थ्योरम में। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस लाइन से यहाँ कंक्लूजन, और ये क्या है आपको पता है कि बी ऑफ एक्स कॉमा एप्साइलन तो आपका बी ऑफ एक्स कॉमा एप्साइलन आई के अंदर आ रहा है, और ये प्रत्येक जी आई के अंदर आता है, प्रत्येक जी आई के अंदर आता है फॉर ऑल आई, आई कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक वेरी करता है। तो अब आप देखोगे यहाँ से कि बी ऑफ एक्स कॉमा एप्साइलन जो है वो कंटेन कर जाएगा जी आई के अंदर, इसके अंदर कंटेन कर जाएगा जी आई के अंदर फॉर ऑल आई कहाँ से कहाँ तक, 1 to n। तो अगर किसी भी प्रत्येक जी आई के अंदर आ रहा है ये बी एक्स कॉमा एप्साइलन, तो क्या ये प्रत्येक जी आई का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ आई बराबर 1 to n जी आई में भी आएगा? हाँ, है ना, क्योंकि प्रत्येक आई में आ रहा है, फॉर ऑल आई जो 1 से n तक बिलोंग करते हैं उन सब के अंदर आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो अब देखो, यहाँ से मैं डायरेक्ट कंक्लूजन इस पे पहुँचा, यहाँ ध्यान से देखना, हाँ आप, मैं किस कंक्लूजन पर पहुंचा? एक्स को कंटेन करने वाला बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन है, और ये इंटरसेक्शन ऑफ आई बराबर 1 to n जी आई के अंदर आ रहा है। तो ये इंटरसेक्शन जो ये है एक्स का एनबीडी है, और एक्स क्या आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कंक्लूजन क्या निकाला, इंटरसेक्शन ऑफ आई बराबर 1 to n जी आई इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है। अगर सारे पॉइंट्स का एनबीडी है, ठीक है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एक्स बिलोंग्स टू पॉइंट कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बराबर 1 to n जी आई, क्या ये लाइन लिख सकता हूँ, ये वाली, यही तो है, एक्स इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, तो एक्स इसके अंदर अपने आप आया। तो इसका मतलब यही तो ओपन सेट की डेफिनेशन होती है, इंटरसेक्शन ऑफ आई बराबर 1 to n जी आई इज क्या हो जाएगा, ये ओपन सेट। यही तो मुझे प्रूव करना था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट जो होगा हमेशा ओपन होगा, लेकिन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन का ओपन नहीं होता है, ये भी मैं
प्रूव करा के आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे इस थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे, ये थी ना थ्योरम, ऐसे प्रूव करेंगे इसको।